खाना हो गया, चलो फटाफट फिनिश करो, क्लास चालू हो जाएगा। आज बनाया आलू पनीर की सब्जी और रोटी बच्चे लोग के लिए और हस्बैंड के लिए अभी, क्योंकि आज मैं नहीं खाऊंगी, फर्स्ट है तो बेटी को खिला दिया, अभी बेटा को दे रहा है, बेटा लेट हो गया था। और मेरे लिए बन रहा है मिल्क का जो मसाला वाला चाय आता है ना, चाय पीऊँगी, ओनली चाय पीती हूँ फर्स्ट में। आज है कोजागरी लक्ष्मी पूजन तो मैं फर्स्ट रखती हूँ, तो मैं खाना कुछ नहीं खाऊँगी, ओनली चाय पीती हूँ फर्स्ट में। तो शाम को पूजा करके फिर व्रत छोड़ूंगी और कुछ जो भगवान का भोग लगाऊंगी वही खाऊंगी। तो अभी बच्चे लोग को खाना दे दिया और सुबह से बहुत सारा साफ सफाई काम वो सब रहता है, बेटी का एग्ज़ाम भी आज होने वाला है तो उसको पढ़ाई लेके बैठी थी, तो सारे काम हो गया, बच्चे लोग को खिला के भी हो गया और मैं लेके आई नहा धो के चाय दोबारा, मैंने सुबह पिया था, बाद में सब काम करने को बाद अभी यार भी बहुत ही गीला है और ये नहीं किया, ड्राई नहीं किया, और मैं आ गई आप लोग के साथ बातें करने के, तो हो गया। चलो पढ़ाई लेके अभी लैपटॉप चालू करो, थोड़ी टाइम में क्लास चालू हो जाएगा तो उसको पहले क्लास करा लेती हूँ, मेंस एग्ज़ाम भी है तो सब पढ़ाई में भी ले लिया, देखते हैं कैसे करते हैं क्या नहीं। तो पहले उसको क्लास कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग के साथ बात करूँगी, तब तक के लिए चाय पी लेती हूँ। और हाँ, और एक स्वीट आता है ना वो लक्ष्मी पूजन में देते हैं, कल एक बताया फ्रेंड ने तो मैं सोचा वो क्यों नहीं बनाओ, कुछ अनानास से बोलते हैं सब जगह पे और किधर किधर भी बोलते हैं गुड़ मीठा, तो वो मैं आज बनाने को कोशिश करूँगी। पहले चावल भिगो के रख दिया था, फिर वो सुखाया, अभी पीस के फिर गुड़ से ये करके फॉर्मेटिंग करूँगी, फिर शाम को गरम गरम फ्राई करके भोग लगाऊँगी, देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं और क्या क्या करूँगी वो तो आप लोग को बताती रहती हूँ। तो चलो, ये है राइस फ्लावर बनाया, कैसे राइस फ्लावर बनाते हैं वो भी दिखाती हूँ। चावल को पहले वॉश किया, फिर थोड़ा सा पानी सुखा के लिया, जैसे ऐसे हो जाएगा हवा में रख देंगे, थोड़ा कॉटन का कपड़ा में मिलके थोड़ा सुखाया और हवा में छोड़ दिया था, अभी पूरा नमी चला गया, अभी ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे ग्राइंडर का जार में ऐड कर दिया और पीस के ऐसे पाउडर बना लिया, बहुत ही मीन पाउडर बन जाता है, और एक छानने से बहुत ही बारीक वाला जो राइस फ्लावर होता है ना ऐसे बन के रेडी हो जाता है, तो होममेड राइस फ्लावर ऐसे ही बनते हैं। ये है राइस फ्लावर, चावल को पीस के रेडी किया, और ये है गुड़, गुड़ बच जाएगी, इसको छोटा छोटा ऐसे पीसेस में कट करूँगी और चावल के साथ मिक्स करके डो बना लूँगी, फिर अनानास से बनाऊँगी। एक गुड़ को मैं थोड़ा ग्राइंडर में चला के ऐसे पेस्ट बना लिया और चावल थोड़ा थोड़ा ऐड करके और एक डो जैसा बना लूँगी, और ये है राइस फ्लावर, ये होममेड है, पहले ही बनाया अभी, और ये है गुड़, गुड़ को ऐसे छोटा टुकड़ों में कट के रखा, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं नहीं तो इजी हो जाएगा ग्राइंडर में, और एक बार चला के फिर चावल के आटा से डो बना लेने का, ऐसे बना के पहले डो बना लेती हूँ। राइस फ्लावर और गुड़ को मिक्स करके ऐसे डो बना लिया, अभी फॉर्मेंट होने के लिए एक डब्बा में भर के रख दूँगी, बाद में अनानास से बनाऊँगी। क्या कर रहे हैं बिटिया दानी, सोया है क्या, टीवी देख रहा है, सो सो के एग्जाम कैसे रहा, बहुत अच्छा, डिनर करते हैं टाइम पे, और बेटा का एग्जाम कैसे हुआ, बहुत सही बहुत सही। आज ना दोनों बच्चे लोग को एग्जाम था तो इसके लिए मैं पूछा, अभी
सब एग्ज़ाम हो गया, एक टीवी देख रहा है, एक गेम खेल रहा है, और आज मेरा फर्स्ट है तो मैं सोचा मैं चाय ऑनली पीती हूँ तो चाय बनाया, लेकिन आज कैसे पता नहीं सर दर्द हो रहा है तो चाय पी के देखती हूँ गर्मा गर्म। थोड़ा ये होता है क्या हो गया, सर क्यों दर्द कर रहा है? देखो हो गया टीवी देख के नहीं कितना भी देखो मन नहीं भरता है ना। हाँ। ऐसे है बच्चे लोग, जाओ देखो कोई बात नहीं। आज कोजागोरी पूर्णिमा है तो मसाला वाला मिल्क तो चाहिए, वो तो बनाऊंगी, और कल मैं ईद स्पेशल जो बनाया था बच्चे लोग को बुला के खिलाया, तो वो लोग बोल रहे हैं मेरा मम्मी लक्ष्मी पूजन में जो अनानास आते हैं वो देना ही पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं क्या देना पड़ता है क्या नहीं, तो बताया तो मैं बोला क्यों नहीं मेरा भगवान को मैं दी। तो आज ना सारे काम करके अनानास से बनाने के लिए वो ट्राई किया नहीं आधा बनाया, अभी फ्राई करने से ही हो जाएगा बना के। तो मैं देखिए मन में कुछ ये रखेंगे ना, जो चाहत रखेंगे जो मुझे करने का है तो करने का है, ऐसे जिद पकड़ के बैठेंगे ना कर पाएंगे, क्योंकि मेरा मिस्टर बोला ज़्यादा कुछ बनाओ मत क्योंकि फास्ट है, फास्ट करना ही नहीं देना चाहते हैं बच्चे लोग भी और मिस्टर भी, बट मुझे भगवान के ऊपर बहुत ये है और क्या बोले फास्ट करना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं किया। और जो अनानास है वो तो बहुत टाइम लगता है, फिर भी मैं सुबह चावल भिगा के रखा, फिर थोड़ा टाइम बाद पानी से उतार के फिर उसका सुखाया हवा से, फिर उसको पीसा, पीस के छान के फिर गुड़ से मिला के डो बनाया, अभी फॉर्मेट होने के लिए रख दिया, 2 घंटा हो गया शायद। तो तब तक मैं सुबह का इतना सारा काम रहते हैं, बच्चे लोग को एग्ज़ाम है, ये है, दोनों बच्चे को एग्ज़ाम हो गया, मेरा काम चालू ही है, मीन्स आज फास्ट है फिर भी नहीं मैं रेस्ट लिया, थोड़ा बहुत भी बैठा, फिर वो अनानास से बनाने के लिए डो बनाया चावल और गुड़ का जो प्रिपरेशन होता है ना वो बना के फॉर्मेट होने के लिए रख दिया, अभी चाय लेके आई पी लूँगी तो थोड़ा सर दर्द कम होगा, पता नहीं क्यों आज अचानक सर दर्द हो रहा है, तो क्लाइमेट भी बेकार है, कभी बहुत गर्मी कभी कभी ठंडी ठंडी हवा आता है, तो ऐसे वजह से हो सकता है। तो कुछ भी हो माइंड स्ट्रांग रखना चाहिए हर टाइम, जो ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन का ही बात बोलूँ, परसों ऐसे ही शाम को ना खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठा था, ऐसे बात मत किया, फिर बाद में जैसे हल्दी वाला दूध पी के पैर रखा नीचे तो ऐसे लग रहा है पैर में मोच आ गया, इतना दर्द हो रहा था ना पता नहीं क्या हो गया, फिर मैं माइंड में कुछ नहीं किया, सोया तो थोड़ा टाइम नींद भी नहीं आया, बाद में क्या किया सुबह उठा, सुबह देखा वो दर्द रह गया, अरे यार मैं तो मेरा कुछ होता है ना, मैं किसी को होता दूसरे फैमिली का किसी को होता है ना तो मेरा जान पे आ जाता है, लेकिन खुद का होता है तो मैं खुद का वो केयर नहीं करती हूँ। तो क्या किया सुबह सुबह उठ के मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है, बच्चे लोग को ब्रेकफास्ट ये वो सब करना पड़ता है, घर का बहुत सारा काम रहता है, तो मैं वो पैर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जो टो है ना तो उधर थोड़ा दर्द हो रहा था, और इतना दर्द हो रहा था क्या बोलूँ जैसे कैसे भी हिले हिले करके चलता है ना लंगड़ी जैसे वैसे करके करके मैं थोड़ा टाइम नहीं किया, बाद में कुछ ये नहीं किया मीन्स उसको केयर नहीं किया, हाँ लग रहे तो जो बहुत ज़ोर से लग रहे थे सुबह सुबह, बट मैं उसको केयर नहीं किया, सब कुछ काम किया, फिर बाद में ना एक्सरसाइज किया उस थोड़ा भी था थोड़ा कम हुआ था, फिर उसमें एक्सरसाइज किया घर का सब काम किया, फिर शाम तक मेरा हस्बैंड पूछ रहे पैर का दर्द कैसे है, मैं बोला कुछ नहीं वो बोलो ही मत मेरा गायब हो गया अपने आप, मैं खुद को इतना ये करती हूँ ना ज़्यादा कुछ चीज़ का जैसे ऐसे होता है ना तो ज़्यादा भाव नहीं देने का खुद का काम में बिजी रहने का तो अपने आप बीमारी भाग जाते हैं, तो ऐसे लग रहा है कुछ नसों के ऊपर नस चढ़ गया था कुछ तो हुआ था और ऐसे दर्द होता तो ऐसे किया ना तो एकदम परफेक्ट हो गया, तो ऐसे
आज भी सर दर्द हो रहा था, लेकिन क्या वो सब लेके बैठूं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करने का है। और दोपहर को मैं लक्ष्मी पूजन किया और शाम को आरती करूंगी, और कुछ बनाने का मन है भगवान के लिए, तो वो सब बना के आरती में प्रसाद लगाऊंगी, फिर मैं भोग ग्रहण करूंगी। तो इसके लिए मैं सर दर्द होता तो इसने कुछ ध्यान में ही नहीं दिया। अभी चाय पी के देखती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगा, चाय पी लेती हूँ पहले। सर दर्द होगा ना तो गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी पी लीजिए जो पसंद है, तो वो देखिए अपने आप गायब हो जाएगा। फिर जो काम है जो करना है कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे कभी लगता है ना, तो मुझे इतना ध्यान नहीं देने का, काम करते जाओ अपना, और जो मन में है वो करो, मन का जो है वो करो, तो खुद ठीक हो जाओगी। तो ऐसे मैं करती हूँ। तो अभी तो टाइम हो गया, 5 बजने आया, तो अभी कुछ बनाती हूँ और मिस्टर भी आ जाएंगे आधे घंटे में, और मेरा भगवान के लिए भी बहुत कुछ बनाना है माइंड में, तो देखते हैं क्या बना पाते हैं और क्या नहीं। चलो अभी देखिए मैं किचन में आ गई और हेयर को ऊपर कर लिया, क्योंकि गर्म भी होता है बहुत। और अभी क्या बनाऊंगी पता है, जो लक्ष्मी माता पूजन में लगता है ना लड्डू बहुत सारा, तो गुड़ से बनते हैं वो सब लड्डू, तो कोकोनट का, तिल का और क्या क्या है बनाते जाऊंगी, अब आप लोग को बताते जाऊंगी। ओके, गुड़ से जो कोकोनट लड्डू बनते हैं ना वो बनाऊंगी। इसके लिए 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया, आप लोग फ्रेस कोकोनट भी ले सकते हैं, और 1/2 कप गुड़। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया, पहले जो कोकोनट लिया वो हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, तो कोकोनट लड्डू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करूँगी, लेकिन कोकोनट का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा ऐसे ड्राई रोस्ट करने से। इसमें घी तेल कुछ भी यूज़ नहीं होता, ओनली गुड़ और कोकोनट से लड्डू बनाऊँगी। देखिए 2 मिनट हो गया और हल्का हल्का कलर चेंज होने आया, तो इस टाइम बहुत ही अच्छा ड्राई कोकोनट का खुशबू निकल रहा है। अब लोग फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश कोकोनट्स ऐसे वाइट करने से मीन्स कोरने से तकलीफ होता है, तो डेसिकेटेड कोकोनट से भी लड्डू बना सकते हैं और बहुत ही इजी से बन जाते हैं। देखिए हल्का कलर चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है। तो इस टाइम जो गुड़ लिया वो भी ऐड कर देती हूँ, फ्लेम को कर दिया लो, और गुड़ मेल्ट होने तक और कोकोनट से मिक्स होने तक अच्छी तरह से मिलाते जाऊँगी। गुड़ मेल्ट होके और कोकोनट से अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाएगा और एक डो के तरफ आ जाएगा। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, देख ही सकते हैं कोकोनट और गुड़ एक साथ मिक्स हो गया। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूंगी, ये शुगर के साथ मैं पीस के पहले से ही रख देती हूँ प्लेट में निकल के, हल्का ठंडा करके फिर लड्डू बनाऊंगी। अभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तिल और गुड़ का लड्डू बनाऊंगी, इसके लिए पहले तिल को ड्राई रोस्ट कर लूंगी कढ़ाई में। लो फ्लेम में तिल को ड्राई रोस्ट कर लेने का, तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, प्लेट में निकल लेती हूँ। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा सिंगदाना व मूंगफली लिया 2 चम्मच, सिंगदाना ऐड करने से जो तिल का लड्डू है बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो 2 मिनट लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट करके प्लेट में रख देती हूँ। ड्राई रोस्ट हो गया, ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। पोहा को लड्डू बनाऊंगी, तो पोहा पहले अच्छी तरह से छान के पोंछ के और ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ क्रिस्पी होने तक।
कोकोनट और गुड़ से जो मिश्रण बनाया था हल्का ठंडा हो गया, अभी जैसे चाहिए छोटा बड़ा उसी हिसाब से लड्डू बना लीजिए। ऐसे सारे लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए घी ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं किया, फिर भी कोकोनट से ही ऑयल रिलीज होता है जैसे लड्डू बनाते किया, और हल्का सा गर्म होते हुए ऐसे लड्डू बना लेने का, गर्म है इसके लिए हाथ थोड़ा लाल हो रहा है। सारे लड्डू बना लिया, कोकोनट लड्डू बना लिया, पोहा को देखिए क्रिस्पी हो गया अच्छी तरह से, लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लिया। ये भगवान के लिए बना रहे हैं ना, तो ऐसे हाथों से क्रिस्पी कितना हुआ कि नहीं ऐसे चेक कर सकते हैं। अब ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तिल और सिंगदाना ठंडा हो गया। कढ़ाई में गुड़ एक चम्मच पानी ऐड कर देती हूँ और मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। एक कप व्हाइट तिल के साथ आधा कप गुड़ मैं ऐड किया। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेगा। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, दो मिनट अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी जैसे चटनी बराबर हो जाए, फिर बाद में तिल और सिंगदाना ऐड करूँगी। परफेक्ट हुआ कि नहीं देखने के लिए एक बाउल में पानी लिया और नीचे बैठता है कि नहीं, नहीं और दो मिनट करना पड़ेगा नहीं तो वो चिकट चिकट हो जाता है ना, ऐसे हो जाएगा। इसके लिए और दो मिनट ऐसे चलाते जाऊंगी। अभी गैस बंद कर देती हूँ। दूध बहुत ही गर्म रहता है और जो तिल और सिंगदाना लिया था ना वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और हल्का सा ठंडा होने के बाद ही लड्डू बनाऊंगी। लेट में निकल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। मिश्रण हल्का सा ठंडा हुआ, गर्म है अभी भी, उससे पानी का हाथ लगा के ऐसे लड्डू बना लेने का, हल्का सा गर्म रहते हुए लड्डू बनाने का। पोहा जो ड्राई रोस्ट करके रखा था, मींस ड्राई जो फ्राई करके रखा था, ठंडा हो गया और क्रिस्पी भी हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई में आधा कप गुड़ ऐड कर दिया और एक चम्मच पानी, और मेल्ट होने के लिए रख दिया। गुड़ मेल्ट हो गया और दो मिनट अच्छी तरह से बॉइल कर लेती हूँ। गुड़ का जो सिरप अच्छी तरह से बन गया, अभी गैस बंद कर देती हूँ, और जो पोहा फ्राई करके रखा था मैं उसे ड्राई रोस्ट करके तो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसका जो लड्डू बनते हैं ना बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और हेल्दी तो है ही। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अभी लड्डू बनाऊंगी। हल्का सा ठंडा होने को बाद ही करूंगी क्योंकि गुड़ बहुत ही गर्म रहते हैं। अभी पानी का हाथ लगा लिया, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके लड्डू बना लूंगी गर्म रहते हुए लड्डू बनाने का, नहीं तो ठीक से बाइंडिंग नहीं होता है। तभी बहुत ही गर्म था तो इसके लिए मैं थोड़ा टाइम रुक गया, अभी भी गर्म है तो हाथ में ठीक से नहीं ले पा रहे, अभी दबाते हुए ऐसे लड्डू बना लेती हूँ। बहुत गर्म रहेगा तो पानी का हाथ लगा के ऐसे दबा दबा के लड्डू बना लेने का, ऐसे सारे लड्डू बना लेती हूँ। पोहे के लड्डू बना लिया, पहले बनने का नहीं हो रहा था, ठंडा हो रहा था तो इसके लिए थोड़ा और गर्म कर लिया और दबा दबा के ऐसे लड्डू बना लिया। अभी बनाऊंगी मुरमुरे के लड्डू, तो इसके लिए गुड़ को ऐसे छोटा छोटा
करके कट के मेल्ट होने के लिए रख दिया। आधा कप गुड़ में, एक कप डेढ़ कप मुरमुरा लगते हैं, तो पहले गुड़ को मेल्ट कर लेती हूँ। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, दो तीन मिनट ऐसे गुड़ को बॉईल कर लेने का। अभी जो मुरमुरा लिया वो ऐड कर दूंगी, गैस को फ्लेम को बंद कर दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और हल्का ठंडा होने के बाद ही लड्डू बनाऊंगी। हल्का गर्म रहते हुए ऐसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेने का और ऐसे लड्डू का शेप दे देने का। ऐसे सारे लड्डू बना लेती हूँ। अभी कोजागरी पूर्णिमा के लिए मसाला दूध बनाऊंगी, तो एक लीटर फुल फैट मिल्क बॉईल होने के लिए रख दिया। ड्राई फ्रूट्स पीस के रेडी करती हूँ। काजू, आलमंड और पिस्ता पहले पीस के और मिल्क में ऐड करूँगी। और शुगर मीठे के लिए 2 चम्मच यूज़ करूँगी। मिल्क आधा गाढ़ा हो गया, शुगर ऐड कर देती हूँ और जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाया ना वो भी ऐड कर देती हूँ। मिनट्स बॉईल कर लेती हूँ। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड कर दिया। मसाला दूध बन के रेडी हो गया। मेरा मिल्क में चंदा मामा आ गया, ये देखिए, देख सकते हैं। इसमें लेके आया था ना वो अंदर तक नहीं गया था ना, तो मैं प्लेट में डाला तो बराबर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। और चंदा मामा भी दिखाई दिया। कोजागरी पूर्णिमा का मसाला दूध बहुत ही फेमस रहता है महाराष्ट्र में, तो सब जगह पे तो हम लोग का आज पहले भगवान को ये किया, अर्पण किया। अभी हम लोग योग की बात नहीं करते। क्या कर रहे हैं तुम, ठीक से बैठ डायरेक्ट देख चंदा मामा। एक बार दूर का तरफ देख, बाउल में नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें प्लेट में डाला तो एकदम बहुत अच्छा, अच्छी तरह से दिख रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। यो पसंद है? मैं तो बनाते बनाते आगे ऊपर क्योंकि काम में बहुत ही बिजी थे। देखो थाली के ऊपर चंदा मामा दिख नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। मसाला दूध दोनों पहले पोंछा के आया, अभी जा रहे हो, जाओ जाओ वो सबको दो, फिर तुम पियो आके। मुरमुरा का लड्डू बन के रेडी हो गया। 4 टाइप्स का लड्डू बन के रेडी हो गया। ये है तिल का लड्डू, ये है कोकोनट लड्डू, ये मुरमुरा का लड्डू, ये है पोहा लड्डू। हाय फ्रेंड, अभी टाइम हो गया 11:30 और हम लोग बेड में आ गए सोने के लिए। और ये देखो बेटिया रानी क्या कर रहे थे, गेम खेल रही हूँ। ये देखो, चलो मम्मी ने आज बहुत कुछ बनाया है। एक्चुअली पूजा पाठ इतना सूट नहीं किया,
कर इस पे किया जो चंदा मामा का पूजा करते हैं ना कोजागुरी पूर्णिमा का जो मिल्क में, तो वो सब किया और आके फिर खाना बनाया और टाइप्स ऑफ लड्डू बनाया, भगवान का भोग लगाया, फिर ये किया, पूजा पाठ किया। तो बहुत कुछ करते करते टाइम निकल गया और ये लोग को डिनर भी बनाया और मेरा तो आज फास्ट है तो ऐसे लग रहा है ज़्यादा ही थक गया, आँख देख रहे नहीं नींद आ रहा है बहुत। तो आज मैं वो फ्रूट्स और स्वीट था वो सब खाया और जो मिल्क बनाया था मसाला दूध वो पिया बस, और ज़्यादा कुछ ये नहीं किया, उसमें पेट भर गया और ये लोग को डिनर बना के दिया। वो सब करते करते तो तेरा भी नींद आ रहा है क्या? वो सब करते करते बहुत ही लेट हो गया। चलो अभी सोने के लिए बेड पे आ गई और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।